अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है ढाबा स्टाइल मुर्ग चना दाल। तो उसके लिए हमें चीजें चाहिए। एक पाव मैंने चने की दाल ली, मतलब 250 ग्राम, जिसे मैंने भिगो के एक दो घंटे के लिए रख दिया और उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। इतना बॉयल किया कि ये बिल्कुल गल चुकी है। इसमें हाफ कप पानी जब रह गया तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल गली हुई चने की दाल है। आधा किलो मैंने चिकन का गोश्त लिया है। दो लार्ज मैंने टमाटर लिए हैं कटे हुए। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी ली है मैंने 1 टेबलस्पून। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं नमक और लाल मिर्च। मैंने ज़्यादा लिया है, आप कम भी ले सकते हैं। जीरा पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। गर्म मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। और अदरक लिया है कटा हुआ 1 टीस्पून। हरी मिर्ची ली है कटी हुई 3 अदद। धनिया लिया है कटा हुआ 1 टेबलस्पून। और ऑयल लिया है मैंने 1/2 कप। और पानी लेंगे हम हसब जरूरत। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो मुर्ग चना दाल तैयार करने के लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें ये ऑयल डाल देंगे। तो फ्लेम आप हाई रखें, हाई फ्लेम पे हमने चिकन को भूनना है। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। हल्के से इसमें बबल आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो ये बबल आना शुरू हो गए, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे और चिकन को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। चिकन को हम अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो फ्लेम हाई रखें और इसको अच्छे से भून लें। तकरीबन 2-3 मिनट लगे, मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, मिक्स करेंगे। और इसमें जाएंगे ये कटे हुए टमाटर, मिक्स करेंगे। आप फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दें। अब इसमें जाएगा नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ। हल्का सा मिक्स करें और इसे कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। टमाटर भी गल चुके हैं, अब थोड़ा से इसे मैश कर लेंगे टमाटरों को चम्मच से। और इसकी हाई फ्लेम पे हम भुनाई करेंगे टमाटरों के साथ। 1-2 मिनट के लिए इसे हम भुनाई करेंगे। तो ये हमने अच्छे से भून लिया। अब इसमें जाएगी ये चने की दाल बॉयल की हुई, इसे मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे ये 1/2 कप पानी जो बचा के रखा हुआ है, मिक्स करेंगे। अब इसे हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। बीस मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए चिकन दाल और जो उसका मसाला है उसकी लज्जत एक जैसी हो गई है। दाल में अच्छे से चिकन की लज्जत आ गई है। मिक्स करेंगे इसे। अब इसमें जाएगा कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक। और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे दम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। पांच मिनट हो गए हैं, अब इसके ऊपर जाएगा गरम मसाला पाउडर, मिक्स करेंगे। तैयार है हमारी ढाबा स्टाइल मुर्ग चना दाल। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालेंगे,
तो जायकेदार ढाबा स्टाइल हमारी मुर्ग चना दाल तैयार है। अगर आपको ये ढाबा स्टाइल मुर्ग चना दाल की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।